बाड़मेर में विधानसभा चुनावों में नामांकन पत्रों के जमा करवाने के पहले दिन बाड़मेर में एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में आज पहले दिन 17 अलग अलग उम्मीदवारों द्वारा 50 नामांकन फॉर्म लिए गए हैं। उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए प्रशासन द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल व रिकॉर्ड तैयार करने संबंधी सारी तैयारियां पूरी की गई है। कितने आवेदन अभी तक लोगों ने लिए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई? नामांकन का पहला दिन हमने कल ही सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। नामांकन से संबंधित जो भी आवश्यक तैयारियां होती हैं, रिकॉर्ड तैयार करना है उसके लिए और बैरिकेड्स लगाना है, पुलिस जाप्ता लगाना है, कार्मिक लगाना है, वो सारी तैयारी हमारी पूरी है। आज के दिन 3 बजे तक कोई एक भी नामांकन नहीं भरा गया, किंतु फार्म कई लोग ले गए हैं जिसमें करीब करीब हमारे 50 फॉर्म यहाँ से गए हैं। जो लोग जो भरने के इच्छुक हैं वो ले गए हैं। हर एक प्रत्याशी एक साथ 4 सेट जमा कराता है। सर, इस पर विशेष क्या रहेगा फॉर्म जमा करवाने में या आवेदन में, ऐसा कुछ है? कुछ अलग निर्देश? नए निर्देश एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार शपथ पत्र है जो उसको अपना भरना है, उसका संपत्ति का विवरण है, उसके अपराध संबंधी है, यदि कोई अपराध है या मुकदमे पेंडिंग है तो उसकी डिटेल देनी है, फिर उसको उसको अखबार में, वेबसाइट में भी प्रकाशित कराना है।